नमस्ते मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन अब बिहार पे देख रहे हैं काफी ज्यादा मैसेज आ रहा था कि सहारा इंडिया का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगा इस पे अपडेट देने के लिए क्योंकि सात आठ दिन से हमने कोई वीडियो बना के नहीं बताया था तो सच्चाई यही थी कि कोई अपडेट ही नहीं था सुप्रीम कोर्ट के साइट पे तो हम क्या बताएं आप लोगों को लेकिन जैसे ही डेट आ गया है वेबसाइट पे क्योंकि जब तक हमको दिख नहीं जाता है कि हाँ वेबसाइट पे क्या है और सच्चाई इसका क्या है कुछ पॉजिटिव नहीं रहता है तब तक हम वीडियो बना के आप लोगों को नहीं अपडेट करते हैं तो अभी जो स्थिति है कि दो तारीख को लिस्टिंग हो गया है मेन केस का सहारा और सेबी का सुप्रीम कोर्ट के साइट पे भी आ गया है हालांकि हम दो तीन बार चेक किए दिन भर में यह देखने के लिए कि क्या हो रहा है तो कंप्यूटराइज लिस्टिंग में एक बार डेट दिखा रहा था दस जनवरी दो हजार तेईस तो भी हमको हम नहीं बताना आप लोगों को सही समझे कि अब एक महीना बाद का डेट आ गया तो क्या बताना है लेकिन शाम को ये अपडेट हुआ कि नहीं दो तारीख को ये मतलब कल ही केस लिस्ट हो गया है और हमने साइट पे देखा है अभी दो तारीख को लिस्टिंग दिखा रहा है और सुनवाई भी होने जा रही है तो यही अपडेट है कि सीरियल नंबर छप्पन पे कोर्ट नंबर आठ और टाइमिंग है दस बज के तीस मिनट पे और जस्टिस हैं संजीव खन्ना जी और जस्टिस एम एम सुंदरेश जी इनके बेंच में कल केस की सुनवाई यानी हम वीडियो आज एक तारीख को रात के रात में बना रहे हैं तो कल मतलब दो दिसंबर को यह सुनवाई होने जा रही है और ये साइट पे भी है आप लोग भी इसको देख सकते हैं तो दो दिन पहले यानी तीस तारीख को एक ऑर्डर अपलोड हुआ था जो कि सोशल मीडिया पे भी आ गया सब लोग देख लिया था मेन केस में ही आया था कि सुनवाई हो गया है सुनवाई वो नहीं हुआ था वो मेंशन किया गया था मैटर को सुनवाई तो होना था चौदह नवंबर को या और पंद्रह नवंबर को जिसमें कि नहीं हुआ था बोर्ड में गया था जैसा कि तीस तारीख वाले रिपोर्ट में लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोर्ड में मैटर गया था और बोर्ड में ये आदेश दिया गया कि इनके बेंच में इसको लिस्ट किया जा सकता है तो हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि सहारा इंडिया का जो भी मैटर है जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर के सामने उनका आदेश नहीं आता है तब तक कहीं भी लिस्टिंग या उसकी उस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं हो सकता है हालांकि कल जो सुनवाई है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है ये उनके आदेश से इस बेंच में लिस्ट किया गया है क्योंकि 30 तारीख के ऑर्डर में दो पॉइंट लिखा हुआ है आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा और कोई डेट नहीं था 30 नवंबर को कि सुनवाई हो जाए एकाएक रिपोर्ट लगा क्योंकि उसको मेंशन कराया गया था तो मेंशन में बोर्ड में गया मैटर और उसी तीस तारीख के ये उस ऑर्डर में ही लिखा गया था कि संजीव खन्ना जी के बेंच में इसको लिस्ट किया जाए जिसके चलते तीस को आदेश आया एक को लिस्ट कर दिया गया और दो को सुनवाई होने जा रही है तो मुख्य रूप से चार मामलों को यहाँ दिखाया जा रहा है सुनवाई में पहला मामला है सेबी भरसे सुब्रत राय सहारा एंड अदर्स जो कि अवमानना का केस था कंटेम्प्टिटीशन है मेन केस का जो आपका एम बी के नीलामी का पैसा कैसे आएगा नहीं आएगा उसमें डायरेक्टर लोगों को पार्टी बना के सुब्रत सहारा एंड अदर्स का दस लोगों को पार्टी बना के किया गया है मेन केस उसी का सुनवाई है उससे कनेक्टेड तीन केस और लिस्ट किया गया है कल के डेट में एक कमलेश कुमारी अग्रवाल भर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दूसरा बंदना भार्गव तो वंदना भार्गव भी इनके सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन की डायरेक्टर थी पास्ट की वो भी मैटर इसी से जुड़ा हुआ है और भरसे से सेबी और चौथा मामला सहारा सेबी मेन केस जो कि 2012 में है से चला आ रहा है तो इस चारों चारे चारों मामलों को लिस्ट कर दिया गया है दो दिसंबर दो हजार बाईस को सुप्रीम कोर्ट के साइट पे कोर्ट नंबर आठ में साढ़े दस बजे जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बनाए बताएंगे हालांकि यहाँ दिखाया जा रहा है कि ऑर्डर के लिए किया गया है इसमें कोई हियरिंग नहीं होने जा रही है कि अपना पक्ष ये रखेंगे वो, वो अपना पक्ष रखेंगे इसमें डायरेक्शन के लिए अब जाया गया गया है कि जो पैसा जमा है सारा से भी अकाउंट में या चाहे एम बी का नीलामी है तो ये इस पे क्या डायरेक्शन या क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट के जिसके हिसाब से सेबी भी, भी अपना आगे का काम करेगी और दिल्ली कोर्ट में जो कमलेश कुमारी वाला मैटर है उसमें भी क्या अपडेट आता है ये देखने वाली बात है कि कौन कौन मामले मामलों की कल सुनवाई होती है उसका क्या आदेश आता है क्योंकि ये जो ऊपर दिखाया जा रहा है कि ऑर्डर के लिए है हियरिंग के लिए नहीं है तो ऑर्डर मतलब डायरेक्शन के लिए ही आइए फाइल किया गया है कि डायरेक्शन इसमें दिया जाए कि जो सहारा से भी अकाउंट में पैसा जमा है उसके लिए उसको क्या किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन डे था जिसके चलते सब लोग व्यस्त थे हमको बाद में पता चला कि उसी के चलते डिले हुआ है कि लिस्टिंग पंद्रह को नहीं हुआ तो छब्बीस के बाद हमने आप लोगों को बता दिया था कि नवम्बर तीस तक या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर केस को उठा लिया जाएगा जिस तरह से इस पे पूरे देश में लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि क्यों नहीं सुनवाई हो रहा है तो इसी क्रम में दो दिसंबर को यानी कल ही सुनवाई होने जा रही है जैसा अपडेट रहेगा जैसा आदेश रहेगा हम आप लोगों को बताएंगे धन्यवाद